कौन थे कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह? महाराजा ने क्यों सुनाई ज्योतिषी को सजा? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? ज्योतिष शास्त्र में पंडितों का स्थान बेहद उच्च माना गया है और शायद यही कारण है कि सैकड़ों सालों से राजा महाराजाओं के साथ एक राज ज्योतिष हुआ करता था जो नक्षत्रों की गणना कर भविष्य की और मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी देता था। लेकिन एक ऐसी ही भविष्यवाणी कर ज्योतिष ऐसा फंसा कि उसका हर्जाना उसके पूरे परिवार ने भुगता। दरअसल कहानी कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह की है कि कैसे एक ज्योतिष के कहने पर नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया और जब भविष्यवाणी फेल हो गई तो कैसे उसे सजा मिली। दरअसल कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह के कोई पुत्र नहीं था। बड़े बेटे युवराज परमजीत सिंह का विवाह जब्बल रियासत की राजकुमारी वृंदा से हुआ था, जिनके तीन बेटियां थीं। महाराजा को अपनी गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर काफी चिंता थी। इसी बीच राज ज्योतिष ने पूजन और ग्रहों की शांति के अनेक उपाय बताते हुए अनुकूल परिणाम और युवा रानी वृंदा की अगली संतान पुत्र होने की भविष्यवाणी कर दी। खुश महाराजा ने युवरानी की प्रसूत अवस्था में हवन पूजन जारी रखने के लिए पंडित को 1,00,000 रुपए की रकम प्रदान की। पंडित ने इसका अधिकांश हिस्सा अपने घर में सुरक्षित कर लिया था। पंडित की भविष्यवाणी के सच होने को लेकर महाराजा और राज परिवार पूरे तौर पर आश्वस्त थे। रियासत के प्राइम मिनिस्टर एल फ्रेंच, जिनकी सेवाएं भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, ने भावी राजकुमार के जन्म उत्सव के लिए 2,00,000 रुपए का बजट मंजूर कर दिया। महल और राजधानी को रंग बिरंगी बिजली की झालरों से सजाने की व्यवस्था की गई। कलकत्ते से बढ़िया आतिशबाजी मंगाई गई। पौफटते ही युवरानी को पुत्र प्राप्ति की जनता को जानकारी देने के लिए 101 तोपों की सलामी का इंतजाम पक्का किया गया। कई दिनों तक नाच गाने, राग रंग और लजीज पकवानों की बड़ी दावतों की तैयारी थी। युवरानी जिस रात संतान को जन्म देने वाली थी, उस रात पूरा महल खुशियों से गुलजार था। महाराजा, महारानी, राज ज्योतिष, राज परिवार के लोग, प्राइम मिनिस्टर सहित रियासत की पूरी कैबिनेट, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और अनेक रियासतों और संस्थाओं के प्रतिनिधि मंगल कामना के लिए एकत्रित थे। पंजाब के गवर्नर, भारत सरकार के कुछ बड़े अफसर और रियासत के ब्रिटिश रेजिडेंट खास मेहमान के तौर पर इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन इन तमाम लोगों को वो खबर नहीं मिलने वाली थी जिसकी उम्मीद में महाराजा ने उन्हें इस मौके पर इकट्ठा किया था। राज ज्योतिष को झुटलाते हुए युवा रानी वृंदा ने 17 जुलाई 1926 को सुबह 3:30 बजे अपनी चौथी पुत्री को जन्म दिया। आंखों में आंसू भरे दौड़ती हुई लेडी डॉक्टर मिस परेरा उस ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां महाराजा खास मेहमानों के साथ पौत्र प्राप्ति की खबर सुनने के लिए व्याकुल प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार फिर पौत्री जन्म की खबर ने महाराजा को खिन्न कर दिया था। पहला कहर राज ज्योतिषी पर टूटा। उन्होंने बेड़ियां पहना दी गई और बिना मुकदमा चलाए 9 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुना दी गई। अब जब महाराजा मायूस थे तो मेहमानों को भी वैसा ही कुछ दिखाना और करना था। वो अपने ठिकानों को मुंह लटकाए वापस हो लिए। महल के सामने मौजूद भारी भीड़ राज परिवार पर ईश्वर का कोप फुसफुसाते हुए वापस हुई। महाराजा और महारानी अपने कमरों में कैद हो गए। दरबार ने 40 दिन तक मातम मनाया। महाराज की मायूसी की वजह थी कि हिंदू रियासत के लिए लागू कानून के अनुसार पुत्री राजगद्दी की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती थी। महारानी उदास थी लेकिन राज ज्योतिष को जेल में डाले जाने को लेकर खिन्न भी थी। उन्होंने दीवान जर्मनी दास को बुलाया, कहा कि ईश्वर का पहले से ही राज परिवार पर श्राप है, अब एक ब्राह्मण को जेल में डालने से उसका कोप और बढ़ेगा, किसी तरह महाराजा को राजी कीजिए। दीवान ने महारानी का संदेश महाराजा को पहुंचा दिया लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आगे इस काम को महाराजा की चहेती मैडम सैरी ने अपने जिम्मे लिया। स्नान के समय महाराजा के साथ जल क्रीड़ा और उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरते हुए सैरी ने उनसे बेरहम न होने की फरियाद की। महाराजा पसीजे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुचेत सिंह को ज्योतिष को रिहा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इसमें रियासत से बाहर करने और उनकी तथा परिवार की सारी संपत्ति को जब्त करने की शर्त शामिल थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।